क्या आप नवरात्रि में डेली तला हुआ खाकर बोर हो चुके हैं? सो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और आसान व्रत की एक रेसिपी, जिसमें आपको बनाने सिखाऊंगी कढ़ी चावल व्रत वाले। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बी आर्टफुल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में आपको ये कूटू से बनने वाली कढ़ी और ये सम्मा के चावल बनाना सिखाऊंगी। सो आज ही आप इनको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और खाके ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 चम्मच कूटू का आटा लिया है। अब हम नॉर्मल जैसे कूटू की पकौड़ियाँ बनाते हैं वैसे ही हमें बनानी है। इसके लिए मैंने कूटू को अच्छे से घोल लिया था। इसको हमें बहुत अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और आपको इसमें पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि एक इसका एक स्मूथ बैटर मतलब रेडी हो जाए, जिसे आप अच्छे से फेंट सकते हैं। तो आपको इस तरीके से हाथ से ही इसको फेंटना है क्योंकि पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। अब हम एक कढ़ाई में घी गरम करने रख देते हैं। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसमें हमें घी की क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें तो कम घी में ही इनको सेकना है तो वो ज़्यादा अच्छे से सेक जाएंगी। तो अब हमारा ये घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम पकौड़ियाँ डालेंगे इस तरीके से। आपको ये सब तो आता होगा, डेली बनाते होंगे आप पकौड़ियाँ, तो नॉर्मल उसी तरीके से आपको ये पकौड़ियाँ बनानी है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ये पकौड़ियाँ कढ़ाई में जब डालेंगे तो आपको जो है गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है, और जैसे ही आपकी पकौड़ियाँ सारी डल जाएंगी उसके बाद आप इसको हाई पे कर दीजिएगा और आप इस तरीके से एक पकौड़ी के ऊपर घी को डालिएगा, जिससे आपकी पकौड़ियाँ अच्छे से सिकेंगी और इसमें गांठें नहीं बनेंगी अंदर। तो इस तरीके से हम अब एक एक करके सारी पकौड़ियों को पलट देंगे, जिससे ये दूसरी साइड भी अच्छे से सिक जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग पकौड़ियों को छोटा या बड़ा बना सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ की पकौड़ियाँ बनाई हैं। अब हमारी ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी हैं, अब मैं इनको कढ़ाई से बाहर निकालूंगी। आपको इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। अब आप इनको निकाल के, अब हमने ये 2 जो हरी मिर्च हैं उनको पीसेस में कट कर लिया था, मैं इनको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, जिससे हमारी कढ़ी में इनसे अच्छे से गार्निशिंग हो जाएगी और ये बहुत टेस्टी भी लगती हैं खाने में। तो हमारी ये पकौड़ियाँ और ये हरी मिर्च तल कर रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा ये जो थोड़ा सा इसमें बैटर बचा था, इसमें मैंने 1 कटोरी थोड़ा सा खट्टा दही था उसको मिक्स कर दिया है, और मैं इसको विस्क से अच्छे से बीट करूँगी, जिसमें एक भी इसमें लम्स ना रह जाए। इसके बाद हमें इसको अच्छे से चलाना है और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, ये सारा दही इसमें आ जाएगा इस तरीके से। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप जब पकौड़ियाँ डालेंगे अपने हाथों से, आपके हाथ जो गंदे हो जाते हैं उनको आप एक अच्छा पानी लेकर एक बर्तन में उनको उसमें डिप कर दीजिएगा, जिस वो पानी हमारे काम आने वाला है। अब हमने यहाँ पे फिर से कढ़ाई में घी गरम कर लिया था, इसमें मैंने काली मिर्च डाली है और इसके बाद मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। अब जो मैंने पानी बताया आपको, मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हमें थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाएगा, तो हल्का सा ये बॉईल हो चुका है। इसके बाद हमने जो बैटर रेडी किया था इसको हम डाल देंगे। सिंपली आप जैसे नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं बेसन की, उसी तरीके से हमें ये बनानी है। तो आप इसमें, अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप सबसे पहले जब घी गर्म हुआ था तो आप इसमें कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, उससे और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो अब हमें इसको अच्छे से बॉईल होने देना है। अब ये हमारा, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें पहले से आपको नमक नहीं डालना है क्योंकि दही के फटने के चांसेस रहते हैं। अब हमारा इसमें जब बॉईल आ गया था एक, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें सेंधा नमक ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, इसमें और एक और उबाल आएगा, तो इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें जो पकौड़ियाँ तली थी उनको भी इसमें मिक्स कर दिया है। अब इनको हम अच्छे से चलाएंगे और इनको इसी में रहने देंगे और बॉईल होने देंगे अच्छे से।
हमारी कढ़ी जितनी ज़्यादा अच्छे से बॉइल होगी उतनी ज़्यादा हमारी कढ़ी टेस्टी बनेगी। आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको पतली ज़्यादा कढ़ी पसंद है तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको पतली और गाढ़ी बना सकते हैं। अब हम चावल बनाते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी नमक के चावल लिए हैं और मैंने एक कुकर में घी को गर्म कर लिया है। इसमें मैंने ऐड की है थोड़ी सी काली मिर्च और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और यहाँ मैंने जो है इन चावल को अच्छे से धो लिया था 3-4 बार पानी से। इसके बाद मैं इसमें इन चावल को ऐड कर दूंगी। और आपको इसमें जैसे एक कटोरी चावल लिए थे तो आपको इस 3 कटोरी पानी ऐड किया। अगर आपको ज़्यादा पतले चाहिए तो आप इसमें 4 कटोरी पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, वो है नमक, वो भी हमने डाल दिया। अच्छे से चलाने के बाद कुकर को हम बंद कर देंगे। 2 सीटी में हमारे जो है चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इसमें हमारी, हमें एक हाई फ्लेम पे लेनी है 1 सीटी और उसके बाद हम इसको थोड़ा मीडियम कर देंगे। उसके बाद हम एक और सीटी लेने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी भी बहुत अच्छे से बॉइल हो चुकी है, हमारी पकौड़ियाँ भी फूल गई हैं थोड़ा सा। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर ढक कर रख देंगे। अब हम अपनी चावल को देखते हैं, तो हमने कुकर को खोला, हमारे चावल बहुत अच्छे से पक के रेडी हो चुके हैं, खिले खिले बने हैं। इसके बाद हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे कढ़ी में, तो हमारे कढ़ी और चावल बिल्कुल बनकर रेडी हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। आप इस तरीके से एक कटोरी में कढ़ी को सर्व कर सकते हैं और यहाँ एक प्लेट में चावल को रख सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर से ये बारीक कटे हुए धनिए से अच्छे से गार्निशिंग कर देंगे और कढ़ी में भी हम ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इसके बाद हमने जो हरी मिर्च को फ्राई किया था उसको भी हम यहाँ रख देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये कढ़ी चावल बनकर रेडी हैं। सो आज आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज़। बाय बाय, टेक केयर।